चुनाव जो किसी परीक्षा से कम नहीं होती और इसी परीक्षा में पास होने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी शानदार प्रदर्शन देने में लगे हुए हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी पार्टियां अपने अपने शौर्य का परिचय दे रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मानो जैसे गुजरात में डेरा डाल लिया हो और पहाड़ों से यानी कि हिमाचल प्रदेश से मुंह मोड़ लिया हो। हिमाचल प्रदेश आज भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का इंतजार कर रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का पूरा ध्यान सिर्फ गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। मानो कि जैसे अरविंद केजरीवाल ये चुनाव सिर्फ जीतने के लिए ही नहीं बल्कि पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर गुजरात में हैं। वो 3 दिवसीय चुनावी अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि चुनावी समर शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल गुजरात में खासे सक्रिय हो गए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश अभी भी पार्टी के दिग्गजों की बात जो रहा है। हालांकि कुछ समय पहले तक केजरीवाल पहाड़ी राज्य में काफी सक्रिय रहे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस सिर्फ गुजरात पर नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 25 जुलाई को केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ में वर्चुअल रैली की थी, इसके बाद से ही वो यहां नजर नहीं आए। खास बात यह है कि पार्टी काफी समय पहले ही राज्य में सक्रिय हो गई थी, लेकिन बाद में रफ्तार धीमी होती गई। अप्रैल में मंडी में केजरीवाल और मान ने तिरंगा यात्रा की थी। इसके बाद 2 दिन बाद ही पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि रैलियों के दौरान केजरीवाल लोगों से आपको वोट देने की अपील करते थे। उनका कहना था, आपने राज्य पर शासन करने के लिए 30 साल कांग्रेस और 17 साल बीजेपी को दिए, उन्होंने केवल लूट ही की, मुझे केवल 5 साल दे दीजिए। वैसे खबर है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए राज्य के कई बड़े नेता या तो पुराने दलों में लौट गए हैं या फिर पार्टी गतिविधियों से दूर हैं। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में सूरत नगर निगम चुनाव के समय से ही काफी सक्रिय नजर आ रही है। साल 2021 में हुए चुनाव में पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही और 5 पार्षद बीजेपी में साथ हो गए। बहरहाल विधानसभा चुनाव का माहौल बनते ही केजरीवाल भगवंत मान समेत कई बड़े नेताओं की गुजरात में एंट्री हुई। एक बार फिर केजरीवाल ने गुजरात में पार्टी के लिए प्रचार की शुरुआत की। खबर है कि केजरीवाल और मान 3 दिनों के दौरान 6 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी वो गुजरात के कई हिस्सों में रैलियां कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो पार्टी को अंदाजा हो चला है कि बीजेपी से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल है। तभी तो केजरीवाल ने हिमाचल से दूरी बना ली, जहां बीजेपी की सरकार है। केजरीवाल साहब, आपको तो ये समझ आ ही गया है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी दाल नहीं गलने वाली है। हिमाचल प्रदेश में आपने पहले ही हार मान ली है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि आप गुजरात के लायक हैं या नहीं, और आपकी मेहनत और वादों से जनता को कितना फर्क पड़ा इसका जवाब तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ताजा सर्वे आ रहा है, उसमें गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत दिख रही है। लेकिन केजरीवाल गुजरात पर ज्यादा फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। गुजरात में केजरीवाल एक्टिव रहेंगे तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी तो मिलेगी। यही वजह है कि केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। हालांकि इससे फायदा होता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।